अस्सलाम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 3C है, क्लासिक्स की मैथ की न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक जो 1 है उसका क्वेश्चन नंबर 6 है, वो हम करेंगे इस लेक्चर में। इसके बाकी के जो शुरू के क्वेश्चन हैं वो अपलोड किए हैं, उनमें मसले तो आप देख सकते हैं। अब ये कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, उसने लिखा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। कि ये जो हमारे पास इसने दे दिए फैक्टर, इनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन उसने हमें दे दिया 7 × x + 3 / 2 × 5 2x - 5 / 3, मतलब जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है लिख दिया। अब हमने क्या करना है, सर पहला ये काम करें कि इसको इधर मल्टीप्लाई करें, एलसीएम है, बाकी है वो मैं अगले स्टेप में करता हूँ, पहले ये स्टेप समझ लें। 2 को इसी तरह लिख दिया, 7 को x से मल्टीप्लाई किया, 7x हो गया, 7 को 3 से भी मल्टीप्लाई कर दो, 21 हो गया, ये प्लस ऐसे ही लें। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 10x हो गया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 25 हो गया, 3 नीचे आ गया, पहला काम ये हो गया। अब हमने क्या करना है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो क्या होता है, 6 होता है, यानी इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, जी 6 एलसीएम आ जाएगा। अब 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम जाता है, इसलिए 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7x + 21 से, यानी कि 21 को सॉरी 2 को डिवाइड करो 6 से तो 3 टाइम जाता है, आंसर 3 आता है। इसी तरह इस 3 को अगर मैं डिवाइड करूँ 6 पे तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 2 आता है, तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है ना, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट 6 आ जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाले इधर ये वाले इधर। अगर प्राइम नंबर ना हो तो फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं होती। अब देखो 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21, 3 को 21 से मल्टीप्लाई किया 63, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20, 2 को 25 से मल्टीप्लाई किया 50, और नीचे क्या आ गया 6। अब ये भी x है और ये भी x की वैल्यू है, यानी दोनों के साथ सेम वेरिएबल है, दोनों के साथ साइन भी सेम है, मतलब इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, तो इसलिए इनको क्या कर दें, ऐड कर लें, 20 और 21 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 41x हो जाएगा। अब ये देखो 63 है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये 50 है, ये भी कांस्टेंट है, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो लाजमी बात है सब्ट्रैक्शन होगी। 63 में से 50 गया तो हमारे पास पीछे कितना बचेगा जी, 13। अब क्योंकि 63 बड़ा है, साथ साइन प्लस का जो है आंसर के साथ प्लस का साइन लगा दो और नीचे जो है आपके पास 6, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, अब ये है कि ये जगह थोड़ी सी है, इसमें अगला पार्ट भी लिख लेते हैं, फिर एक ही दफा रेज कर देंगे पार्ट बी। अच्छा, जो पार्ट बी है हमारे पास वो है जी 3x - 4 डिवाइडेड बाय 5, 3 × x - 1 और डिवाइड बाय 2। अगेन 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर हैं, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा एलसीएम आ जाएगा, दैट इज 10। तो क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया कि अगर दोनों क्या हो, प्राइम नंबर हो, तो उनका प्रोडक्ट जो है वो एलसीएम आता है और ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, यानी 2 जो है इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 3x - 4 - जो है 5 मल्टीप्लाई होगा किससे, 5 × 3 × x - 1, क्योंकि 5 और 3 दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन डालना है क्योंकि ऑलरेडी एक नंबर यहाँ पर मौजूद था। दूसरी तरह इस तरह समझ सकते हैं कि 5 को 10 पे डिवाइड करें, 2 टाइम जाता है इसलिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा, 5 का 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम जाता है इसलिए ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, 6, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 8, 3 × 5 = क्या होता है 15, ये 3 × 5 = क्या होता है 15, तो 15 वही 15 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 15x, फिर ये वाला साइन माइनस का जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 3 × 5 = 15, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 × 1 = 15 हो जाएगा और नीचे 10 आ जाएगा। अब ये देखो ये दोनों नंबर क्या है, सेम वेरिएबल है, ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की है, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, अब दोनों का साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन होगी, 15 में से 6 निकालो तो 9x बचेगा, 15 बड़ा है साथ साइन माइनस लगा दो। इस वाले केस में ये हुआ था कि ये x और ये x दोनों के साथ सेम साइन था तो एडिशन हुई, अब यहाँ पर दोनों के साथ साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन हुई। अगेन अगर हम नाम बात करें 8 और 15 की, तो ये दोनों नंबर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, यानी विदाउट वेरिएबल है, इसलिए दोनों के साथ साइन भी डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन होगी, 8 में से 15 में से 8 चले गया तो पीछे क्या बचेगा 7, तो 7 के साथ साइन प्लस लग गया बिकॉज 15 इज ग्रेटर देन 8, तो ये नीचे क्या आ गया 10। अब ये देखें इसमें 15 बड़ा था, साथ साइन आंसर के साथ माइनस लगा, इधर 15 बड़ा है प्लस है तो साथ आंसर के साथ क्या साइन लगा, माइनस का, तो
ये आप बेशक उतार लें ताकि इसका पार्ट नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम करें। अच्छा पार्ट हमारे पास इसका आ गया जी सी। जो पार्ट सी है सी हमारे पास है जी 3z-2 डिवाइड बाय 4 इंटू 2z-3 डिवाइड बाय 5। अगेन ये प्राइम नंबर है, ये क्या है कि जी नहीं है प्राइम, लेकिन क्या होगा कि सेम टेबल पर कोई भी नहीं जाता कि दोनों पे जाए, तो अगेन 5 4 20 होता है, तो ये 20 एलसीएम होगा। लेकिन पहले हम ये कर लेते हैं कि इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस नंबर को, तो 4 को फिलहाल इधर रहने दो, 3 को जेड से मल्टीप्लाई करो 3z हो जाएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 हो जाएगा, माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 2 8z हो गया, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 12 हो गया, और 5। अब ले लो इनका एलसीएम, 20 इनका एलसीएम आ गया। अब 4 का टेबल 20 पे 5 टाइम जाता है, तो 5 मल्टीप्लाई होगा 3z-6 से, और 4 मल्टीप्लाई होगा 8z-12 से, यानी 5 4 24 ऊपर चला गया। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो 3 5 15 z क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, और 5 6 कितना हो जाएगा जी 30 माइनस 4 8 30 2 और 7 z आ जाएगा। सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करो, साइन माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करो 4 12 4 48, और नीचे हमारे पास क्या आ गया जी 20। अब हमारे पास देखें ये भी वैल्यू z की है और ये भी z की है, इसके साथ कोई साइन नहीं है, प्लस है ये माइनस है, तो लाजमी बात है इसमें से इसे माइनस हो जाने, 32 में से 15 गया तो पीछे कितने बचेंगे 17z, 32 बड़ा है साथ साइन माइनस का है तो माइनस लगा दो। अब 48 में से 30 निकाल लो तो पीछे हमारे पास 8 और 18 बच जाएगा, और क्या लगेगा प्लस का साइन, क्यों 48 बड़ा है इसलिए, और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा जी 20। तो आई थिंक दिस इज़ द फाइनल आंसर हमारे पास हो गया जी। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन है जी डी, जो पार्ट डी है 2 × p-4 ये कौन सा पार्ट डी है, 2 × p-4 डिवाइडेड बाय 3, आगे साइन जी है माइनस का, 3 × 2p+q डिवाइडेड बाय 2। एक तो क्वेश्चन इतने क्लोज लिखे हैं ताकि मिक्स ना हो जाए, बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि सारा लेक्चर रिकॉर्ड हो जाए बाद में मसला होता है। ठीक है, अगेन जो बाहर वाला नंबर है सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 2p-2 4z 8q-3 2z 6 पी 3 को क्यू से मल्टीप्लाई करो 3q, और नीचे हमारे पास यहाँ 3 आ गया और यहाँ हमारे पास 2 आ गया, और ये माइनस वाला साइन इधर दरमियान है। अब अगेन दोनों प्राइम नंबर है 3 और 2 6 है, 6 हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा, 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम जाता है, 2 मल्टीप्लाई होगा किससे 2p-8q से, ठीक है ना, 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम जाता है इसलिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, या इस तरह समझिए या ऐसे समझिए कि क्योंकि दोनों प्राइम नंबर हैं तो ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा। प्राइम नंबर वो होता है जिसका जिस पे सिर्फ अपना टेबल जाए, कोई और टेबल ना जाए, जैसे 3 पे कोई और टेबल नहीं जाता, या तो 1 का जाता है या अपना जाता है। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4p, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया 16q, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18p, माइनस प्लस माइनस 3 3 9 q डिवाइड बाय 6। अब ये देखें ये दोनों वैल्यू p की हैं, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो ये माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होगी, 18 में से 4 गए तो कितना हो गया जी 14p आ गया। अब दोनों के साथ साइन माइनस का है, तो दोनों के साथ माइनस का है तो ऐड कर दो, माइनस कर दो, माइनस 25q और अवर क्या आ जाएगा जी 6। अब देखिए दोनों के साथ साइन माइनस का था, ऐड क्यों हुआ, ये चीज़ हमेशा याद रखें कि जब भी लाइक साइन होंगे, चाहे दोनों के साथ प्लस हो जाए, दोनों के साथ क्या हो माइनस हो, वो हमेशा ऐड ही होते हैं। प्लस हो तो प्लस तब भी ऐड होंगे, साइन प्लस का रहेगा, दोनों के साथ माइनस हो तब भी ऐड होंगे और साथ साइन माइनस करेगा, यानी दो नंबर माइनस के मिलकर एक नंबर बन जाता है, जैसा कि यहाँ पर 16 था और 9 था, 16 में 9 ऐड किए तो हमारे पास कितना हो गया जी 25 हो गया। अब जो नेक्स्ट इसका पार्ट है दैट इज़ पार्ट ई,
ये आप बेशक उतार लें ताकि हम जो नेक्स्ट इसका है ना काम वो करें। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है जी ई। जो पार्ट ई है माइनस टू बी अवर थ्री, माइनस टू बी अवर थ्री माइनस थ्री ए माइनस टू बी डिवाइड बाय क्या है फाइव है। अब क्या है कि माइनस टू बी अवर थ्री फिलहाल ऐसे रहने दें। सबसे पहले तीन को अंदर मल्टीप्लाई करें थ्री ए, फिर थ्री को टू से मल्टीप्लाई करें सिक्स बी, और नीचे क्या आ जाएगा जी फाइव आ गया। अब दोनों जो है एलसीएम जो है वो 15 आ जाएगा बिकॉज दोनों प्राइम नंबर हैं। अब क्रॉस दोनों प्राइम नंबर हैं इसलिए ये वाला नंबर इधर आके मल्टीप्लाई होगा। ए माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय टू बी माइनस थ्री इंटू थ्री ए माइनस सिक्स बी। अच्छा आप इस तरह भी लिख सकते हैं या आप यूं भी लिख सकते हैं फाइव इंटू माइनस टू बी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। टू फाइव सर टेन बी, थ्री थ्री सर नाइन ए माइनस माइनस ये वाला माइनस प्लस थ्री सिक्स सर एटीन बी डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आ जाएगा जी 15। अब क्योंकि नाइन अकेला है माइनस नाइन ए ऐसे ही आ जाएगा। ये दोनों क्या है ये वैल्यू और ये वाली बी है, यानी दोनों सेम वेरिएबल हैं। इसके साथ भी बी है इसके साथ भी बी है तो आपस में सॉल्व होंगे। इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होगी। 18 में से 10 गया तो पीछे क्या बचेगा 8b, और 18 इज़ ग्रेटर देन 10 तो साथ साइन प्लस का लग जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा जी 15 एंड दैट इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट है जी एफ। अच्छा पार्ट एफ पाँच हो गए, लेट मी चेक कितना वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। अच्छा जी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो एफ पार्ट हम नहीं करेंगे, इसके पार्ट टू कर लेंगे। इस तरह बहुत लेक्चर लंबा हो जाएगा तो ऐसे कि इन क्वेश्चन में कहीं भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है इन क्वेश्चन में तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक आपने बहुत सारा अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़। लेकिन अपने कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।